शिवराज के गढ़ बुधनी विधानसभा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा बयान दिया। आज हो रहा है ना मंत्रिमंडल, दो लोगों को दो महीने में क्या कर पाएंगे। जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन भी दिए। और जो हमारे मांग पत्र वो भी लेकर गए थे, जो थोड़ा जो मनरेगा कांसर पर जो भी पुरानी हमारी कांग्रेस की जो योजना चल रही थी बन थी, हम ऐसे उसको सरपंच गए हुए थे, लेकिन हमारे भी बात नहीं सुनी, उसमें नारेबाजी भी करी गई थी, हम धक्के बाद बाहर निकाल दिए। इसके बाद में हमने और भी कुछ प्रयास करा, इसके बाद लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं करी। नहीं नहीं मिलता, मिल जाएगा टाइम नहीं। अगर रघुनाथ सिंह भाटी जी ने हमें टाइम दिया, पूरे एक सरपंच को हमें आपको मिलवाएंगे कार्यक्रम के बाद में, लेकिन हमें हमें भी नहीं दिया गया, बोले कि मिले ही नहीं फिर इसके बाद में। बोले आपको जो ले गए थे कौन ले गया था? इस दौरान दिग्विजय ने नसरुल्लागंज के मारुति नंदन भगवान बजरंगबली के दर्शन किए। मंदिर के पुजारी ने पूर्व सीएम से गोमाताओं की दुर्दशा पर बात की तो दिग्विजय ने कहा कि हमारी सरकार बनवाओ फिर गौशाला खोलने की जिम्मेदारी मेरी रही। हर जगह राजा साहब रोज गौ माता जा रही है, उदयपुरा से लेकर लगेगा उनको। राजा साहब आपसे निवेदन, व्यक्तिगत रूप से आप प्रयास करें। व्यक्तिगत प्रयास करूंगा सरकार, आप अपने कार्यकर्ताओं से बोले। देखिए सरकार बनती है जी, मेरी जवाबदारी है, हम गौशाला आप करवाएंगे।